Assalamu alaikum. We were doing coordinate geometry in our last class. हमने पिछली क्लास में coordinate geometry वाला जो टॉपिक है वो शुरू किया था और उसमें अगर आप देखो मैंने ये फाइल ग्रुप पे डाली है, आप इसको ग्रुप से ओपन कर लो। अगर आपके पास दो डिवाइसेस हैं तो एक पर फाइल ओपन कर लो, हम ये वाला काम शुरू कर रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखें और ये क्वेश्चन जो है ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर पहला पार्ट कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, ये शुरू कर ले और इसके तीन पार्ट्स हैं। क्वेश्चन मैंने अलग से पोस्ट किए, इसका पहला पार्ट स्क्रीन पर विजिबल है।
हाँ मिड पॉइंट तो ये आ जाएगा, सही है। आगे चलो, इसका दूसरा पार्ट कर लो। उसके बाद है ग्रेडियंट, सही है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी थ्रू द पॉइंट 0.4, अब ये वाला क्वेश्चन निकालो इस शीट के अंदर जो मैंने आपको पोस्ट की है। ये वाला क्वेश्चन शुरू करिएगा, आई एम जस्ट कमिंग।
मिड पॉइंट के आंसर और बाकी दूसरा जो पार्ट है, मिड पॉइंट आ रहा है 1/2, 4 और ग्रेडियंट आ रहा है 6/5। सही है, पार्ट सी का फीडबैक दो। The line with equation this passes through the point P. तो P के coordinate इसमें fit कर देते हैं। Find the gradient of this line. The gradient तो direct equation से निकल आएगा। K is equal to 1. मेरे पास जो K आ रहा है वो 4 आ रहा है। दोबारा चेक करो। हाँ तो सही कर लो। Find the gradient of this line, तो उसमें put करके y is equal to mx plus c से compare कर लेते हैं। जब उसको mx plus c से compare करेंगे तो m की value आ जाएगी -3/2। Working check करो और answer compare करो फिर। ओके गुड। अब ये वाला ईयर नंबर नोट कर लो। ईयर नंबर नोट करके जो फाइल तो आपके पास आ गई है, बस ईयर नंबर नोट कर लो। नवंबर 11 पेपर 2 का 6। यू मे यूज द ग्राफ paper on the next page to help answer this question.
ए बी एज अ कॉलम वेक्टर। अब ये वाला क्वेश्चन शुरू करो। पहला जो आंसर है ये कंपेयर करो, इट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। पहला आंसर आ रहा है 6-2 और फिर दूसरा आंसर देखो, पार्ट टू कह रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। आसान है। हाँ ये देखो कैसे होगा, अच्छा पहले आप इसका मुझे आंसर शेयर कर दो ग्रेडियंट का और इसका। सॉरी लाइन ड्रॉप हुई थी। पार्ट नंबर सी ये कैसे होगा, लाइक ए बी इज फाइंड पी एंड क्यू। हाँ ग्रेडियंट तो सही है। अब ये वाला पार्ट कैसे होगा, सी वाला पार्ट बताओ कैसे होगा। सर वैल्यूज प्लग इन करके साइमल्टेनियस इक्वेशन बना सकते हैं। दोबारा ट्राई, क्या कह रहे हो सॉरी। वैल्यूज प्लग इन करके साइमल्टेनियस इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ ठीक है, ये भी आइडिया है। और कोई एडमेस वाला स्टाइल सोचो। हम ये भी तो कर सकते हैं अफान कि हम ए बी की अपनी इक्वेशन बनाएं जैसे एडमेस में करते हैं और उसको इससे कंपेयर कर लें तो पी और क्यू निकल आएगा। मतलब इसकी इक्वेशन लेके ना चलें बल्कि अपनी इक्वेशन बनाएं और फिर उसको इससे कंपेयर कर लें।
आसान हुआ ये जी सर? हो गया ये वाला पार्ट हो जाए तो मुझे बताइएगा। हो गया है सर। वेरी गुड। अब देखो इसके नीचे वाला पार्ट कर लेते हैं। द पॉइंट सी इज 12.2 गिवन दैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है और फॉर्मूला हमें पता है वो लगाने है और फिर हमें एसी लगाने है वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। मिड पॉइंट रखकर इसको सॉल्व कर दें सर। ये यार
जो एसी की वैल्यू है, जो एसी की वैल्यू है वो कंफर्म करें। The point D lies on the line AB. The line CD is parallel to the y-axis. Find the coordinates of D. अब ये वाला क्वेश्चन शुरू करो, पार्ट थ्री। क्वेश्चन तो वही है, उसका पार्ट थ्री। हाँ अपन बताओ, पार्ट थ्री का ए। सर मेरा एक्स का वैल्यू आ गया लेकिन वाई का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा, कैसे? He says CD is parallel to y-axis. तो अगर कोई लाइन y-axis के पैरेलल है तो वो वर्टिकल होगी। लाइन पैरेलल टू y-axis इज वर्टिकल। ऑन वर्टिकल लाइन द एक्स कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज। तो ऐसे एक रफ डायग्राम बना लो। सर वो हो गया लेकिन वाई का समझ नहीं आया। तो वो इक्वेशन तो सेम है ना, तो तुम्हारे पास जब एक्स आ जाएगा तो एक्स को सही से देखो। लेकिन छोटी सी डायग्राम बना लो,
अब जो देखो जो मैंने इंस्ट्रक्शन ये वाली लिखी है, ये जो तो रेड कलर में लिखा हुआ है, इसको नोट सेक्शन में लिख लो, इसको ले जाकर जो हमारा रजिस्टर के आखिर में नोट सेक्शन बन रहा है उसमें लिख दो। चलो अब इसका ये वाला पार्ट करके दो, एक्सप्रेस ए डी इन टर्म्स ऑफ ए बी। ये जो पार्ट नंबर बी है अब ये करके दो, हाँ, अब अफान इसको कैसे करेंगे, एक्सप्रेस ए डी इन टर्म्स ऑफ ए बी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर का मिक्स है। समझ नहीं आ रही बात, नहीं थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हें याद है वो वेक्टर के सवाल जो होते थे वो टेल हेड टू टेल वाले लॉजिक से होते थे, उसमें हेड टू टेल या ऐसी कोई लॉजिक है वो लगानी पड़ेगी। हाँ, कुछ सजेशन मिला? इन टर्म्स ऑफ ए बी, उसमें देखना पड़ेगा ना कि ए डी और ए बी में सबसे पहले ये करते हैं कि ऐसा करो कि फॉर्मूला लिख लो, तुम्हें ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के पता है, तो पहले ऐसा करते हैं ए डी कैलकुलेट कर लो, जैसे मैंने शो किया।
सर यहाँ तक कर लिया, लेकिन इसके बाद अब ये बताओ कि पीछे जाकर चेक करो कि तुमने कैलकुलेट मेरे ख्याल में किया हुआ है कि एबी की वैल्यू क्या है, जो एबी का वेक्टर है उसमें से भी 2 कॉमन ले लो और फिर रेशियो बना लो। 6.62 है ना, तो 6.2 में से वहां जाके 2 कॉमन ले लो, हो गया सर। फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बॉक्स काउंटिंग कैन बी यूज्ड, ये मेथड बहुत मशहूर है और ओ लेवल मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी आ जाता है। बॉक्स काउंटिंग में क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट डब्बे गिन सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। अब ये नोट सेक्शन में आएगा, ये वाली स्क्रीन, अब ये वाला क्वेश्चन निकालो। ये वाला क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन को अपने सामने खोल लो और फिर रीड करके शुरू करते हैं। The graph shows the charges made by two companies for telephone calls lasting up to 10 minutes. Kingcom charges 40 cents for calls of 3 minutes or less, and then at the constant rate of 10 cents per minute. Phone shop charges a connection fee of P cents, and all calls are charged at the constant rate of Q cents per minute. ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। दो दो कंपनीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, दोनों का ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर है। Using these graphs or otherwise, find the cost of a 7-minute call using Kingcom. 7-minute call का मतलब है कि 7 पे जाके read कर लेते हैं। इसको 7 पे जाके read करो। अगर आपने इस file को खोला है अपने पास किसी और side पर, तो 7 minute पे read कर लो। अब बताओ value of P कैसे? अच्छा पहले 7 minute पे check करो।
दूसरा पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. अब पी कैसे निकलेगा, सवाल ये कि पी है क्या चीज. अगर तुम क्वेश्चन को वापस आके रीड करो, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कॉन्स्टेंट रेट ऑफ टेंस. दूसरी कंपनी फोन शॉप चार्जेस अ कॉन्स्टेंट फी ऑफ पी सेंट. पी पी सेंट का मतलब है कनेक्शन चार्जेस ना, तो कनेक्शन चार्जेस जो है वो कैसे निकलेंगे, वहां कॉल को तो जीरो होना चाहिए. तो जो फोन शॉप का ग्राफ है उसका वाई इंटरसेप्ट रीड कर लो. जब तुम वाई इंटरसेप्ट पर आओगे तो वो जो पैसे वाई इंटरसेप्ट पर हैं वो एक्चुअली वो हैं जो इंटरसेप्ट का मतलब है कोई फोन कॉल नहीं हुई तब भी चार्ज आ रहा है. पी की वैल्यू आ रही है 33. ये करो फिर अगला पार्ट निकालो. मेरे पास आ रहे 7.7 जो क्यू है वो ग्राफ, उसका क्यू जो है वो ग्रेडियंट है. अगर तुम ग्राफ पे रीड करोगे तो क्यू इज द ग्रेडियंट. इसको कंप्लीट करो फिर अगला पार्ट करने.
the range of time for which it would be cheaper to use Kingcom. Kingcom वाली कंपनी कहाँ कहाँ इसके नीचे चल रही है वो रख लो. देखो मैंने मार्क की है, ये मुझे वैल्यू निकाल दो जिस रेंज में किंगकॉन्ग की कंपनी नीचे चल रही है. सर पिक्चर से ग्राफ पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, सही से नजर नहीं आ सकता मेरे लिए. पिक्चर से ग्राफ पढ़ना मुश्किल लग रहा है. ये तुम इससे भी रीड अच्छा चलो ठीक है. तो मैं समझ तो आ गया ना कॉन्सेप्ट कि वो कह रहे हैं कि जहां वो कंपनी सस्ती पड़ेगी तो अगर वो मुश्किल हो रहा है तो कोई इशू नहीं. बस वैल्यूज कंपेयर कर लो कि वैल्यूज तुम अपने पास नोट कर लो बिटवीन 1 and 7.7. ये वो रेंज है जहां पर किंगकॉम का जो ग्राफ है वो फोन शॉप से नीचे चल रहा है. चलो ये वाला क्वेश्चन देखें. चलो अब ईयर नंबर डाल दिया तुमने, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करके दो. इसका सिर्फ पहला पार्ट करना है, दूसरा पार्ट अभी हमसे रिलेट नहीं कर रहा, सिर्फ पहला पार्ट करना है. देखो अब लिखा हुआ है द लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आर शोन ऑन द डायग्राम इन द आंसर स्पेस. Find the gradient of the line x minus 3y is equal to 6. चलो अब ये वाला क्वेश्चन निकालो. नवंबर 03 पेपर 1 22. पहले क्वेश्चन निकाल लो फिर हम इसको शुरू करते हैं.
क्या अब आपने क्वेश्चन देखा? पढ़ो, देखो क्वेश्चन कहते हैं द पॉइंट्स ए कॉमा माइनस फाइव कॉमा फाइव, बी कॉमा वन कॉमा माइनस थ्री, सी कॉमा फोर, सी फॉर फोर कॉमा माइनस थ्री आर शोन. नीचे पूरी एक डायग्राम बनी हुई है. बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं. चलो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एबी और इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू 0-3 एंड इज पैरेलल टू एबी. शुरू के पार्ट तो तीनों पार्ट तो सिंपल है, ये पहले तीनों पार्ट ये वाले कर लेते हैं. ठीक है, अब इसका सी पार्ट करो. सी पार्ट में एग्जामिनर कहते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 0-3 एंड इज पैरेलल टू ए बी. तो ग्रेडियंट है माइनस फोर अपॉन थ्री, वो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एक पॉइंट के साथ सी निकल आएगा.
सी निकल आए तो फिर लाइन की इक्वेशन बन जाएगी. एड मैस वाली जो इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो डायरेक्ट आंसर निकाल सकती है, बट प्रिफरेबल ये है कि तुम ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ मैथ्स में. सर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, पांच मिनट. आप हो पास क्लास खत्म हो रही तो अच्छा ये वाला आंसर मैच कर रहे हैं. सर मैं जाऊं या क्लास में बस ठीक है. अब इसको मैं ऐसा करते हैं कि तुम चेंज वॉशरूम चले जाओ, फिर हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना. लेट्स कीप इट अप टू हियर. सवाल अभी सवाल के दो पार्ट बाकी हैं, फिर अगली क्लास में करते हैं. अल्लाह हाफिज़.